नमस्कार मित्रों, भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे शिक्षा मंत्री ने परीक्षा की घोषणा की तो वहाँ के विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं देंगे अभियान चला डाला। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि जहाँ पे शिक्षा मंत्री ने परीक्षा की ऐलान किया तो विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं देंगे अभियान चला डाला। तो फिर छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कोई भी अपडेट आए तो मैं आपको सूचित कर सकूं। आइए हम लोग पूरी खबर को पढ़ लेते हैं। मिजोरम में विद्यार्थियों के एक ऐसे समूह ने सोशल मीडिया पर नो एग्जाम अभियान चलाया है। यह अभियान शिक्षा मंत्री के 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाओं के तारीख की घोषणा की तो उसके बाद चलाया गया। शिक्षा मंत्री ने जहां परीक्षाओं की घोषणा की तो वहीं विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया पर परीक्षाओं को स्थगित करने का अभियान चला डाला। विद्यार्थियों ने अपने इस अभियान में सूबे के सरकार को लॉकडाउन के दौरान परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला किया है। और क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में पूरी देख लीजिए। मिजोरम के शिक्षा मंत्री लाल चंदामा नल्ले ने सूबे में 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाओं को 22 अप्रैल से शुरू कराने की घोषणा की थी। उनके इस घोषणा के बाद ही विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की आलोचना शुरू कर दी। शिक्षा मंत्री के इस फैसले के खिलाफ विद्यार्थियों ने एक अभियान चला डाला। यहाँ पे देखिए, नो एग्जाम अभियान नाम से चलाया गया है। विद्यार्थियों ने साफ साफ कह दिया कि वे लॉकडाउन के दौरान कोई भी परीक्षा नहीं देंगे। और फ्रेंड्स, यह वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और बहुत ही तेजी से इस वीडियो को लगभग यहाँ पे 1 करोड़ लगभग देख लिए हैं लोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। कोई भी अपडेट आती है आपको सबसे पहले अपडेट लेके आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।